ओ भाई मेरे, वाह, वेलकम बैक टू माय चैनल जीतू मिश्रा ब्लॉग। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की नई वीडियो चालू करता हूँ। यार आज का सीन पता है क्या हुआ? फाइनली कल तो मैं दिल्ली गया हुआ था, तो गया हुआ था कारण था कि मेरा डीएल टेस्ट था, तो वहाँ पे मैं टेस्ट देने के लिए गया हुआ था। बट क्या हुआ, मेरा हो गया फेल। फेल होने का रीज़न ये था क्योंकि यार मैं नाइट में जग के गया हुआ था यहाँ से भी, तो और नींद पूरी हुई नहीं थी। और दूसरी चीज़ क्या, वहाँ पे ना क्या बोलते हैं, सर्कल में आठ बनवाते हैं, आठ, उसमें सिर्फ पैर नहीं छूना चाहिए, ज़मीन में तुम्हारा टच नहीं होना चाहिए पैर, और इंडिकेटर इंडिकेटर जो लेफ्ट और राइट का टर्न उसमें दिया हुआ है ना, जो मतलब इंट्रेक्शन सारे दिए होते हैं, इंट्रेक्शन को फॉलो करना था। बट क्या हुआ, मैं आधा तो ले आया, आधे के बाद में ना मेरा पैर छू गया, तो उसमें से ना कैंसिल कर दिया मुझे यार, क्योंकि जब हो ही गया था, क्योंकि ना वहाँ पे दो बंदे खड़े रहते हैं, एक दो बंदे देखते, कैमरे भी लगे होते हैं, कई बार क्या होता है ना कैमरे से भी चेक करते हैं, अगर बंदा कई बार होता है ना ब्लेम करने लगता है कि नहीं नहीं मेरा नहीं है ऐसा, तो वो कैमरे से भी चेक कर लेते हैं, बट वो बंदे खड़े रहते हैं, वही पास और फेल का दिखा देते हैं। मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये था भाई राजा गार्डन में था दिल्ली में, बट क्या हुआ ना, ये देखो फेल का लिख दिया सही से, फेल पाँच पाँच ऐसे के जाए। बाकी यार पेपर तो मेरे पास सारे थे, क्योंकि उसमें तो मैं पास हो गया था टेस्ट में, जो कंप्यूटर टेस्ट हुआ था उसमें पास हो गया था, बट ये जो फिजिकल जो वहाँ पे ड्राइविंग करवाते हैं ना उसमें पास नहीं हुआ मैं, तो चलो कोई नहीं, बाकी देखते हैं अब क्या होगा आगे। तो ये है यार वो फिलहाल तो था यार फेल कर दिया, क्योंकि सुबह मैं पहुँच गया था, टाइमली पहुँच गया था यहाँ से, मैं साढ़े तीन छुट्टी हुई थी, चार बजे निकल गया था, तो आराम से पहुँच भी गया था मैं। बट क्या हुआ, वहाँ पे एंट्री भी अंदर टाइम से ही हो गई थी, कोई मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा वेट कराया हो कुछ ऐसा कुछ नहीं था। बट हाँ मेरे बैच में कम से कम 12-13 बंदे थे, 12-13 बंदों में सिर्फ दो बंदों का हुआ था, बाकी किसी का नहीं होता, सारे फेल हो गए थे। तो मैं फिलहाल तो मैंने दोबारा कर दिया अप्लाई, तो आज या कल में शायद है कि मुझे डेट दोबारा मिल जाएगी, तो फिलहाल दोबारा ट्राई करेंगे, कोई नहीं, ये तो चलता रहता है कभी फेल कभी पास। तो फाइनली क्या था यार, यही था, मैं एक बार दिखा देता हूँ बाइक को भी ना, क्या होता है कि उसमें एल बनाना होता है, क्योंकि बिना एल के चालान भी काट देते हैं वहाँ पे, अगर तुम बिना एल बनाए वहाँ पहुँच गए तो चालान भी काट देते। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको कैसे बाइक पर एल बना के ले गया था मैं। ये देखो एक आगे ही बोलते हैं, आगे दो लगे होने चाहिए, एक ये देखो इधर भी बना दिया था मैंने, और एक पीछे साइड भी है ये। मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने बताया कि नहीं एल बना लियो, अगर एल बिना बनाए जाओगे तो तुम्हारा चालान कट जाएगा। मैंने कहा ये तैयार जी पंगा, इसलिए बने ना एल वेल सबको मतलब पूरी तैयारी से गया था, बट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आगे फिर ट्राई करेंगे, देखते हैं एक दो दिन में डेट आ जाएगी। तो यार आज का सीन तो यही था, फाइनली अपनी जो वीडियो है ना मैं यहीं पर समाप्त करूँगा। आशा करूँगा आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।